नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, टूटी टांग की हड्डी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ की कार्रवाई, संशोधित साइलेंसर जब्त कर किए नष्ट। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर फैक्ट्री से काम कर वापस आ रही मोटरसाइकिल सवार को एक कार द्वारा टक्कर मार दी गई, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल व्यक्ति की पहचान रेशम सिंह निवासी नंगली पट्टा के तौर पर हुई है। तो वहीं पीड़ित परिवार की ओर से मौके पर पहुंचकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देती हुई पीड़ित के पारिवारिक सदस्य और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रेशम सिंह, जो कि अमृतसर में वेरका की फैक्ट्री में काम करता है, उसे पीछे से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी टांग की हड्डी टूट गई। जबकि कार सवार नौजवान का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है, जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम है गोविंदर सिंह, उफ ना है मतलब कच्चा ना काला, भरा है मेरा वड्डा रेशम। उन्होंने मोटरसाइकिल इतने गड्डी वजी जो बेच मोटरसाइकिल इतने डिगा, इतने मेरा भरा लम्बे पिया ही, अं उन्होंने वेख्या जो तो इतों चुक के खड़िया जो। हाँ जी, ये जी काम तो आन दिया ही इतने आ वेर के फैक्ट्री लगे जो रेंदे अं नंगली भट्ठा प्रीत नगर फतेहगढ़ रोड। उम्र वो हैगी जो 40 साल। हाँ जी, हाँ लात तो पूरी मतलब फ्रैक्चर हैगी है, टुटी हैगी जो। हाँ जी, हॉस्पिटल लै गए, मौके पर पुलिस हैगी ही। पुलिस वालों तो अजय हाँ कोई कार्रवाई मन नहीं रही। हाँ जी, सानू कही जाते भी इस तरह हो गया, इधरों वो वजा ये वजा, अं तो भाई जो मौके पर वेख्या ऐसे गड्डी तो इतने ही वो बैठा है, इतने लम्बे पिया ही, इतने मैं आन के चुकया जो, तो इतने वह मोटरसाइकिल डिगा। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਤੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਣੋ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਪਈ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਏ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬੂਟ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬੂਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਆ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊ ਲਿਫਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ
लड़का गिरया हुआ तो वो लत्त सट हुई लगी हुई तो काफ़ी लोग कट्ठे हुए सी ते एक XUV जिहड़ी गड्डी आ फार्चून दे विच गड्डी दे विच वज के डैमेज हो गई जिहड़ी फार्चून दी उह थले जाके तीजे रोड ते जाके डिग पई लिंक रोड दे उत्ते जाके डिग पई। नहीं जी जानी नुकसान नहीं होया मामूली सट्टां जिहियां लगियां तो वह इलाज कराउंदे ते जिहड़ा मुंडे की लत्त ते सट लगी ना जी लत्त टुट गई शायद कह सकते हैं तो वह उत्थे हॉस्पिटल दाखिल करवाता तफ्तीश चल रही है जी फिर तुहानू बाद च दस्सांगा। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने संशोधित साइलेंसर के उपयोग पर व्यापक कार्रवाई शुरू की है। हालांकि सरकार ने इन साइलेंसर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है फिर भी कुछ व्यक्ति परिणामों की परवाह किए बिना इनका उपयोग करना जारी रखे हैं। संशोधित साइलेंसर से निकलने वाली तेज थिरकने वाली आवाज कुछ समूहों विशेषकर युवाओं के बीच एक चलन बन गई है जो इसे एक फाइल स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं। वहीं संशोधित साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में बहुत योगदान देते हैं जो बच्चों चिकित्सा रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित कमजोर समूहों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पिछले 3 माह में कमिश्नरेट पुलिस ने गश्त के प्रयासों को तेज कर दिया है और संशोधित साइलेंसर के उपयोग की निगरानी व रोकथाम के लिए जालंधर भर में कई चौकियां स्थापित की हैं। पिछले 3 माह में 30 विशेष अभियानों में 206 बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो कानून के तहत उत्तरदायी बनाकर अवैध संशोधनों का समर्थन करते हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी कार्रवाई हैगी लगातार साड़ी पिछले 3 महीने से कार्रवाई चल रही हैगी। लगभग 3 महीने से असी लगभग 30 जड़े स्पेशल ऑपरेशन जड़े है इलीगल जड़े साइलेंसर है बुलेट के लगते हैं उन्होंने खिलाफ असी जरा किया लगभग 206 व्हीकल टू व्हीलरस बुलेट है असी इंपाउंड किए नाले इन्हों भी डिस्ट्रॉय कराने के लिए असी कार्रवाई जी है की हैगी। असी जनरल जलंधर पुलिस कमिश्नरेट अगे भी इस संबंध से जी है अपनी कार्रवाई जारी रखेगी क्योंकि आ जड़ा है काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट करता है और लोगों की हेल्थ में भी जरा है प्रभावित करता है। सर आम पब्लिक को की मैसेज? आम पब्लिक को अपील है कि इलीगल जो साइलेंसर है अपने बुलेट ना लगवाएं। अगर अगर इस संबंध में अगर कोई बंदा अगर व्हीकल इंपाउंड होंदा हैगा तो इस संबंध से जड़ा हैगा उन्होंने जड़ा हैगा फाइन अते उन्होंने व्हीकल है उसी जो सकते। दीपावली का त्यौहार जहाँ देश विदेशों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है तो वहीं दीपावली के इस पवित्र त्यौहार को मिट्टी के दीयों के साथ रोशन किया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं और ये मिट्टी के दिए बेहद ही मेहनत से तैयार होते हैं। अमृतसर के कुम्हारा मोहल्ले में 100 के करीब ऐसे परिवार हैं जो कि मिट्टी के दिए तैयार करते हैं। ये परिवार एक दिन में लगभग 50,000 मिट्टी के दिए कड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। ये मिट्टी के दिए पंजाब के अलग अलग जिलों सहित हिमाचल जम्मू कश्मीर राजस्थान और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी जाते हैं। तो वहीं आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत अधिक इजाफा होने के कारण मिट्टी के दिए बनाने वाले इन लोगों पर बड़ा असर पड़ा है क्योंकि कुछ लोग मिट्टी के दिए जलाने की बजाय इन चाइनीज दियों और लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस कारण मिट्टी के दिए के काम पर बहुत अधिक असर पड़ा है। तो वहीं मिट्टी के दिए तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि वे दिवाली से कुछ महीने पहले ही मिट्टी के दिए तैयार करने शुरू कर देते हैं और उन्हें पहले ही ऑर्डर मिल जाते हैं जिसके बाद सारा परिवार ही दीप बनाने शुरू कर देता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दिवाली के समय मिट्टी के दीयों का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पुरातन समय से ही मिट्टी के दीयों का घर में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एक अपनी महत्ता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जय अंगूरी देवी है। कब से ये काम कर रहे दीवे बनाने का रंग करने का? ये 60 साल हो गई मुझे। तो अगर 30 साल की पहले की बात करें तब दिवाली कैसे होती थी और अब दिवाली कैसे, कितना फर्क? बहुत ज्यादा फर्क हो गया। अभी दूसरा माल चल गया ना मिट्टी का, इसमें ज्यादा फर्क हो गया। मेहनती नहीं मिलती हमको, कोई दिहाड़ी नहीं देता हमारे तरफ। छोटे छोटे बच्चे भी संभालने, पढ़ने लिखने भी जाना, क्या करना, सारा काम तो करना है।
मेरा पति भी नहीं है सिर पे, डेथ हो गई उसकी। अगर बात कीजिए मिट्टी कहाँ से लाते हो आप? मिट्टी यहाँ से खेतों में से आती है मिट्टी। मिट्टी भी महंगी आती है, पाथी भी बहुत महंगी आती है, मसा खर्चा पानी निकलता है। लगता है जो सभ्याचार है पुराना वो खत्म होता जा रहा है। हाँ, खत्म होता जा रहा है। जैसे दीपावली को शुभ माना गया था, दीवे को शुभ माना गया था, घर में पूजा करनी, जैसे राम जी अयोध्या का वनवास काट कर आएगा तो दीवे जगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है दिवाली का काम तो उसी प्रोग्राम तो। एक माता जी जैसे आप सभी घर में दीवे बनाते हो, मतलब रोशन करते हो सभी का घर, लगता है कि आपका घर भी रोशन होना चाहिए, जो आप बनाते हो उसका ज्यादा प्रॉफिट मुनाफा होना चाहिए। हमारा भी होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए, पर मुनाफा मिलता ही नहीं हमें, मुनाफा देती ही नहीं हमें कोई, इतना खर्चा मिलता ही नहीं, मुआसा ही दिहाड़ी पड़ती है थोड़ी सी पैसों की, पर बच्चे तो पालने ही है ना काम करके, बच्चे तो पालेंगे ही अपने बच्चे। लगता है कि महंगाई की मार और चाइनीज को ये दीवे उसकी काफी आपको मार, हाँ काफी मार पड़ी है इसकी, चैनों के काम में, चैने में काम। हाँ चैने काम। हमारा नाम पवनदीप कौर। कब से ये काम कर रहे हो? हम जन्म से ही कर रहे हैं ये काम। तो क्या हालात कैसे हैं? पहले चाइनीज दीवे चाइनीज लड़ियां नहीं होते थे, पर अब चाइनीज उसकी मार पड़ी है, थोड़ी बहुत ही लगती है उसकी मार भी, काफी असर पड़ा उसका भी, काफी असर पड़ा। कितने दिन हो गए दीवे बनाने शुरू? हमें 2 महीने हो गए लगे को, सारा माल बनाते बनाते। तो बाहर भी जाता है कहीं माल? हाँ बाहर भी जाता है। कितना ऑर्डर आ रहा है इस बार? ऑर्डर तो जितना आता है उतना भुगता देते हैं बस। तो बात कीजिए दीवाली का दीवा कितने का है? ये 20 रुपए की दीवाली है। हाँ जी। दीवे का तोड़ा है, तोड़े में 500 होते हैं। हाँ जी। जैसे लगता है आप सभी घर मेहनत कर रहे हो, रोशन करते हैं उनका घर, आपका लगता है कि इसका प्रॉफिट होगा मुनाफा होगा? हमें हमारी मेहनत तो मिलती ही नहीं है, बस हम इनका जो मिट्टी वगैरह का खर्चा होता है वो ही मसा पूरा होता ही नहीं। देखा जाए कि आप दीवे भी बना रहे हो, घर का काम भी करना, बच्चों को भी रोटी पानी देना, तो काफी मेहनत लगती है, उतना पैसा नहीं मिलता। सरकार को क्या अपील? हमारा ये बीच का खर्चा जो होता है, जो बालन लगता है इसमें, जो मिट्टी लगती है उसका ही खर्चा बहुत। क्या सरकार को क्या करना चाहोगे? सरकार को ये सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या अपील कर सकते हैं उनको। लगता है हमारा पुराना जो सभ्याचार खत्म होता जा रहा है? वो तो है ही, अब जो विदेशी कल्चर है वो तो चल ही रहा है बीच में थोड़ा बहुत। नहीं उनको दोबारा इसको प्रचलित करने के लिए दोबारा करना चाहिए उनको, तो सोचना चाहिए सरकार को, जो पुराना कल्चर है वो आना चाहिए वापस। आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर बीडी शर्मा और डॉक्टर सुखजीत कौर की अध्यक्षता में आयुर्वेदिक की भगवान धन्वंतरी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा इंचार्ज अश्विनी अग्रवाल और जालंधर नॉर्थ से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज अमित ढल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर जे एस डोगरा, डॉक्टर सोडी कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सोडी लाल, डॉक्टर शशि राणा, डॉक्टर गुरमुख सिंह, डॉक्टर एस एल गौतम सहित एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ।
महाराज श्री 1008 गोलोक वासी महंत जय रामदास जी महाराज की पुण्यतिथि चतुर्थ बरसी शिव मंदिर मंगलामुखी धाम वैरागी आश्रम न्यू प्रेमनगर जालंधर में महंत हरि रामदास जी महाराज एवं मंगलामुखी स्वाधक संजय बेदवाल की अध्यक्षता में श्रद्धाभाव से मनाई गई। इस मौके पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशव दास जी महाराज श्री 108 महंत बंसीदास जी महाराज महंत सिया शरण दास श्री 108 पवन दास रुड़का खुर्दवारे श्री 108 पवन दास जी महाराज जंडू सिंगावारे श्री 108 पवन दास जी महाराज पट्टीवारे श्री 108 सुरेश दास जी महाराज श्री 108 बाबा राजकिशोर श्री 108 मुरलीदास सहित बड़ी संख्या में संत ब्राह्मण शामिल हुए। इस अवसर पर कैनेडा से तरुण मक्खन कपिल देव परमार अशोक परमार चेतन परमार जगजीत मक्कन सोनू डडवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर महंत जयराम दास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भक्तिदास संस्कृत विद्यालय मंडी फेंटनगंज के सदस्य भी शामिल रहे। इस दौरान भंडारे की व्यवस्था भी की गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पवन दास जी महाराज जंडू सिंह
मान सुरेंद्रनाथ जी महाराज और श्री भक्तिदास संस्कृत विद्यालय से पधारे हुए आचार्यगण, साथ में वेद पाठ बटुक वृंद, सन्मुख बैठी हुई श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं जिनका स्नेह वात्सल्यता इस मंदिर के प्रति, मंदिर के वर्तमान महंत और भविष्य महंत दोनों महंत के प्रति जिनकी रही है वो सभी श्रद्धालु भक्तगण। और महाराज जी ने बड़े विस्तार में सत्संग के माध्यम से आप सभी को सुनाया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि सबसे ज्यादा गति जो है ना किसकी तेज है, मन की। मन की गति नापी नहीं जाती, तो मन जीते सो जग जीते। जिसने मन को जीत लिया वो जग को जीत लिया। मन ही चलाए मान, मन ही सब कुछ करता, मन ही यहाँ है, मन ही वहाँ है, मन ही पता है मिनट में फौरन, मिनट में कहा, मिनट में कहा। तो मन अगर काबू में है, बस में है, तो सब कुछ हो सकता है। आत्मा के परे विस्तार से महाराज श्री ने आत्मा के बारे में बताया, ये आत्मा है क्या। श्री 108 श्री महंत जयराम दास जी महाराज के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रखा गया है आज का जो आयोजन है, महाराज श्री के समर्पित है। और एक अच्छे संत थे महाराज जी, तो पहले उनके बारे में बता चुके हैं, इतने भजनानंदी संत थे, उनको किसी से मतलब नहीं था, उनको भीड़ से मतलब नहीं था, केवल अपने भजन से मतलब था। अगर भीड़ इकट्ठा करना तो बहुत करना चाहते कर लेते, लेकिन उनको भीड़ से मतलब प्रपंच से ध्यान नहीं था, उनका केवल लक्ष्य भगवत प्राप्त। ऐसे महापुरुष के सानिध्य आपको मिला, लेते थे कोई फल फूल कुछ नहीं करेंगे ना, फल फूल लेते रहे आ नहीं तो दूध कहीं लेते रहे आधा किलो जितना होता था। पहले वहां से आए यहाँ पर आप लोगों के भाग उनको बुलाया, यहाँ रहते रहे तो यहाँ एक पीपल का पेड़ था, बड़ा सघन था। रात्रि में हवा जब चलता था ना तो डर लगता था, यहाँ पे सब खेत सब था। कहते रहे महाराज जी, उसी बात हमने आए थे जलंधर में, कहते रहे, फिर उसको जो है पीपल को चढ़वा दिया गया। राम जी महाराज, सतगुरु श्री रामलाल दयाल जी महाराज, और आज हम सभी परम आदरणीय परम सम्माननीय गोलोकवासी श्री महंत जयराम दास जी महाराज के पुण्यतिथि पर सभी संत महंत बैरागी समाज भक्त समाज वैष्णव भक्त मंडल पंजाब के सभी पदाधिकारी श्री महंत बंसीदास जी महाराज और हमारे श्री महंत राजकिशोर दास जी महाराज और हमारे बगल में बैठे हुए श्री महंत मुरलीदास जी महाराज, श्री महंत पवन कुमार दास जी महाराज छतेवाल से पट्टी से, श्री महंत दूसरे पवन कुमार दास जी महाराज। देखो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे। अब जो उठ उठ के भाग रही हो ना, ये तो रोज ही भागना है। आज क्या है, धनतेरस, आप उठ उठ के जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। भोजन बहुत बना, लंगर लगने, भंडारे लगने, बड़े बड़े तरह तरह के पकवान बने हुए आपके लिए बने हुए, ठीक है। ठाकुर जी का भोग लग के ये हम विशेष जो पुण्यतिथि मनाते हैं इसमें हम उनको याद करते हैं। और देखो साधु का कभी जन्मदिन नहीं मनाते। श्रीमती प्रेमलता अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई है। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंदाकिनी रिसोर्ट बरागपुर जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित जी द्वारा गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर अजीत ग्रुप के डॉक्टर बजेंद्र सिंह हमदर्द, पूर्व कैबिनेट मंत्री सोम प्रकाश, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष
अमरजीत सिंह अमरी, विधायक सेंट्रल रमन अरोड़ा, उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, सतेंद्र पाल सिंह, सुदर्शन शर्मा, नरेश शर्मा, नितिन कोहली, सुरेंद्र पापा, प्राणनाथ चड्डा, आर के महाजन, सनी जैन, विमल प्रकाशन, अशोक मल्होत्रा, निपुण जैन, तजेंद्र बिट्टू, शांत गुप्ता, सौरभ खुल्लर, दिनेश अग्रवाल, सतीश जैन, आशु सिंगला, दिनेश सरना, प्रिंस अशोक ग्रोवर, डॉक्टर कमल गुप्ता, डॉक्टर जैन, राजन चोपड़ा, राजेश अग्रवाल, सी ए आर एस पालरा, जगदीश राजा, अजय चोपड़ा व पारिवारिक सदस्यों में बेटा विकास अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अंजू, सत्येंद्र अग्रवाल, रजनी, विजय, प्रीति गर्ग, जतेंद्र गर्ग, प्राची गुप्ता, सूर्य गुप्ता, राघव अग्रवाल, परिनय अग्रवाल, परियात अग्रवाल, राकेश मिर्जा, लवली ग्रुप के नरेश मित्तल सहित शहर के व्यापारिक, औद्योगिक, राजनीतिक व सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। उनका बर्थ डेट और डेथ डेट मेंशन कर देते हैं। अहमियत बर्थ डेट की माने या डेथ डेट की, किसी ने एक बार पूछा कि एक इंसान की जिंदगी में महत्व किस तिथि का है, जिस दिन वो दुनिया में आया या जिस दिन वो दुनिया से गया। तो हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि महत्व ना तो जन्म तिथि का है ना मृत्यु तिथि का। महत्व है कि आपने जन्म और मृत्यु के बीच में जो आपका जीवन है उसे कैसे जिया है, ये इंपॉर्टेंट है। और सज्जनों, ये जीवन सार्थक, ये जीवन हमारा सफल हो, इसके लिए आवश्यकता है कि हम जरूर अपनी आइडेंटिटी का जो थर्ड लेवल है, हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो ज्ञान है, साइंस ऑफ इंट्रोवर्जन, हम बहिर्मुखी से कुछ समय के लिए जरूर अपने आप को अंतर्मुखी बनाएं और उस अध्यात्म जगत में हम जरूर उस परब्रह्म ईश्वर के साथ जुड़कर अपने जीवन को सार्थक करें। इसीलिए ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा कि इंसान को अपने जीवन में रोज अपने आप से दो प्रश्न करने चाहिए। वो पहला प्रश्न है कस्त्वा युनक्ति ही। कई सागरों की गहराई समाई हुई, वक्त बदलता है, रिश्ते नाते बदलते हैं, समाज बदलता है, दुनिया बदलती है, विश्व बदलता है, लेकिन मां कभी नहीं बदलती। मां का अपने बच्चों के प्रति प्रेम कभी नहीं बदलता, बल्कि प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है। आज भी जब सारा दिन थकावट से चकनाचूर होकर मां की संतान जब घर आती है तो मां इतना ही कहती है, कुछ खाया, कुछ पिया, इसी में ही हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। मां का प्रेम, मां का वात्सल्य शब्दों में तो बयान ही नहीं किया जा सकता। अभी अभी उन्होंने जो आए खबर, उन्होंने माँ के लिए जो बोला है उससे तो सहमति है, पर कुछ भाव मेरे अपने भी मन में है। मैं उसको अपनी श्रद्धांजलि अपने विश्वास के द्वारा बोलना चाहता हूँ। माँ तू श्रद्धा, तू विश्वास, ममता की कोई जात नहीं होती, माँ जैसी कहीं बात नहीं होती। तेरी नसीबें
तेरी नसीहतें वसीयत विरासत हमारी, तेरी सीरत हमारी प्रेरणा, जूझते देखा तुझे नित जिंदगी से होती थी बड़ी वेदना, तेरी डायरी के पन्नों में मिला, मुझे भी नहीं पता था कि हमारी मम्मी लिखती है, उनकी दो डायरियां मुझे अभी मिली हैं, उसमें भी कुछ गीत कुछ दोहे उनके अपने बनाए हुए शामिल हैं, तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है। उसमें एक डायरी के पन्नों में उनके मिला, उन्होंने पापा के लिए लिखा हुआ है, पापा को गए 2013 में गए थे, पति धर्म है सबसे ऊंचा, पति धर्म है सबसे ऊंचा, पति ही है आधार, जिसने कंधा पाया पति का बड़ भागन होना। मेरी दादी जो कि बहुत ही सिंपल लिविंग में बिलीव करती थी, विराट नगर के गलियों में अपनी दादी के पास वो करी पड़ी, सबसे आगे उन्होंने पूरे परिवार को रखा, अपने भाइयों में जो वो गर्व करती थी, मैं चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और दादी जी आप अभी भी हमारे साथ हमारे परिवार में आप गर्व में जिंदा हो, शांति। मैं आज सभी जनजातवासियों और देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं, मेरी सगी बहन श्रीमती प्रेमलता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन सबको नमन करता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ आके हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे इस दुखमय समय में हमारे साथ खड़े होकर हमें हौसला दिया। हमारे बीच हमारे बहुत ही सम्मानीय और हमारे बड़े भाई श्री डॉक्टर हम बरजिंदर सिंह हमदर जी भी आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो जो हमेशा हमारे परिवार के साथ खड़े रहते हैं और आज भी इस दुख में हमें साथ होकर हमें हौसला दे रहे हैं। हमारे बहुत ही सम्मानीय श्री सोम प्रकाश जी, एक्स यूनियन स्टेट मिनिस्टर, जो कि हमारे परिवार में सबसे बड़े भाई के रूप में हैं, वो भी हमें आए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे दोनों बड़े भाई देश के लिए तो हैं ही। इसके साथ बाकी के लोग भी, चाहे हमारे पिट्टू जी हैं या और हैं, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, टूटी टांग की हड्डी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ की कार्रवाई, संशोधित साइलेंसर जब्त कर किए नष्ट। साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।